ब्लू टेस्ट दोबारा देख लेंगे बस। टेस्ट में सल्फाइड आयन के स्पेसिफिक टेस्ट के लिए डिटेल हम इसके ले चुके हैं, पूरा कंफर्मेटरी ले चुके हैं इसका। सल्फाइड आयन के कंफर्मेटरी के लिए मैंने तुम्हें एक बताया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, हालांकि ऑर्गेनिक में मैंने तुम्हें इसमें लेड एसीडेट पेपर टेस्ट भी बताया हुआ। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट फॉर्मूला क्या है, Na2FeCN5N, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकेंड, फेरेट सेकेंड ये इसका नाम है वैसे, कि वो तुम्हें बाद में बता रखेगा जब मैं क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा। दूसरा टेस्ट जो ये मैंने तुम्हें करवा दिया है, दूसरा टेस्ट मैंने बताया मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, ये एडवांस में पूछा हुआ मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में पर्पल कलरेशन आती है, वो मैंने तुम्हें बता दिया Na4FeCN5NOS की थायोनाइट्रो होता भी। तो अब मिथाइलिन ब्लू टेस्ट मैंने तुम्हें बता दिया, एक बार मैं रिएक्शन दोबारा लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसका मैकेनिज्म एक बार ताकि तुम्हें याद रहे वो बता दूंगा तुम्हें। एक लिया NH2 और एक है NME2, साथ में S2- लिया, S2- और सेम इसकी मिरर इमेज इधर ले दी NH2 NME2 और Fe3+ मेन ऑक्सीडाइजेंट, साथ में इसको एसिडिफाई कर देंगे HCl और H2O4 के साथ, और HCl और H2O4 के साथ। तो इसमें हमें आंसर मिला ये NME2 एज इट इज रहेगा, यहाँ S ये जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से रिंग के साथ, और ये ऐसे ये इधर इधर डबल बॉन्ड और N+ME2, ये आ जाएगा मिथाइलिन ब्लू कलर की डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई, मिथाइलिन ब्लू, ये मिथाइलिन ब्लू टेस्ट है पूरा। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर ये याद भी रहेगा तुम्हें। मिथाइलिन ब्लू टेस्ट ये IIT में पूछा हुआ है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ पूरा। देखो Fe3+ और S2-, Fe3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, S2- रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों मिलकर के जनरेट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जनरेट करेंगे सल्फर, जो कि काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का, क्यों इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यानी तुम ऐसे दिमाग उठना है, ये काम करेगा लुईस एसिड का। अब यार 11 सालों को समझ आ जाएगा लुईस एसिड का क्यों काम करेगा, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, यानी ये नेगेटिव को एक्सेप्ट कर सकता है। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? एस ये ना ऑर्गेनिक थोड़ा सा पढ़ने के बाद ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ने के बाद तब तुम्हें समझ आएगा 11 साल के बच्चों को। यहां पे मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लाऊंगा थोड़ा सा। अब ये लिया मैंने NH2 और अभी जो मैं बातें बोलूंगा ना वो तुम्हें याद रखनी है। NH2 और NME2 में से ज्यादा एक्टिवेट, ज्यादा एक्टिवेटिंग यानी ज्यादा बेंजीन की रिएक्टिविटी कौन बढ़ाएगा? NH2 बढ़ाएगा, NH2 बढ़ाएगा अपने प्लस आर इफेक्ट से, दोनों का प्लस आर इफेक्ट है, NME2 का भी और NH2 का भी, लेकिन NH2 बढ़ाएगा रिएक्टिविटी ज्यादा, और ये एक्टिवेट करेगा ऑर्थो पोजीशंस को, दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये वाली ऑर्थो और ये वाली ऑर्थो पोजीशन को, दोनों को एक्टिवेट करेगा जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके आसानी से अटैक कर सके, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके आसानी से अटैक कर सके। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा S इलेक्ट्रोफाइल है, ये आकर के अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में से इधर नेगेटिव जो आएगा रेजोनेंस के बाद उसको एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा S नेगेटिव। अब S नेगेटिव जो है H+ से HCl डाला था ना, या H2O4 डाला था, H+ एक्सेप्ट कर लेगा किससे? HCl से या H2O4 से, और बन जाएगा SH। कोई डाउट? पहले बताएंगे यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सम्यक, प्रथम? नो सर, नहीं है। हाँ, उसके बाद हाँ नेक्स्ट स्टेप में ना तुम क्या करोगे, इसी की मिरर इमेज सेम इसकी मिरर इमेज साथ में बना लो NH2 के सामने NH2, SH के सामने SH और NMA2 ऐसे जैसे है सेम वैसी बना देना मिरर इमेज, ये बना दिया। उसके बाद देना H+, यहां तक नोट कर लो, ये बना दिया
अब देना एच प्लस दो साइड, एक साइड एनएच टू को और एक साइड एस एच को, दोनों को एच प्लस दे दो। एच प्लस मान लो मैंने एक इधर दे दिया, ये बन गया एनएचसी प्लस, एनएचसी प्लस। मगर इस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो तुम मिथाइलिन ब्लू टेस्ट याद रखो, इसलिए बता रहा हूं सिर्फ। इधर बन गया एनएचसी प्लस और इधर बना दो एस एच टू प्लस, दोनों को मैंने एच प्लस दे दिया, एक साइड दिया एनएच टू को, एक साइड दिया एस एच को। एच प्लस दिया तो एस एच टू प्लस बन गया, एक साइड एनएच थ्री प्लस बन गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो एन ने अपने लोन पेयर इस सी को दे दिए, ऐसे ही ये वाला प्लस इलेक्ट्रॉन लेके गया तो एस ने अपने लोन पेयर इस सी को दे दिए। यहां तक कोई डाउट? प्लस बनाने का पर्पज यही था। तो ये होने के बाद ये चीज आ जाएगी, एन एम ई टू एन एच, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस एन पे आ जाएगा प्लस, प्लस आते ही एक एच प्लस बाहर निकल जाएगा। देखो ट्वेल्थ वालों को तो समझ आ रहा होगा, इलेवंथ वालों को दिक्कत आएगी मैकेनिज्म, लेकिन थोड़ा सा बाद में करोगे, दो महीने तीन महीने बाद और नहीं करने के बाद फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। ये एन एम ई टू और इधर आ जाएगा एस पे प्लस आएगा, इधर प्लस आते ही इसका भी एच प्लस गायब हो जाएगा, इसलिए एस और साथ में ये आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट तो नहीं आता? नो सर। बस अब इसके बाद यही करना तुम्हें, ये एन लोन पेयर देगा, ध्यान देना था, ये वाला एन। यहां तक भी सही है, यहां तक भी आंसर आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये H- की फॉर्म में H+ का कंबाइन करके H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाए। तो ये आंसर आंसर आ गया ना इससे? अब समझ आया कुछ कि नहीं? यस सर आया। तो बस सिर्फ याद रहे ना, इसलिए बता दिया मैकेनिज्म, अदरवाइज कोई नीड नहीं है मैकेनिज्म का, तुम्हें डायरेक्ट आंसर याद रखना। डबल बॉन्ड है ये और डबल बॉन्ड NME2+, समझ गया कि नहीं है? ये समझ आ गया कि नहीं? Yes. अच्छा चलो, अब ये खत्म हो गया हमारा, सही ना? ये मिथाइलिन ब्लू टेस्ट था सल्फाइड आयन के लिए, डिटेल मैंने खत्म कर दी है, सल्फाइड आयन के लिए डिटेल खत्म कर दी है। आगे पढ़ाना मतलब कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि अगर तुम यहाँ तक नहीं याद करोगे ना, फिर सॉल्ट एनालिसिस लेने का फायदा नहीं है कोई भी। अच्छा तुम में से कौन है जो पीछे वाले टॉपिक्स में से, जैसे मैं अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो सेपरेशन ऑफ कैटायंस डिस्कस कर सकता है, बता सकता है मैं सेपरेशन ऑफ कैटायंस या बेसिक रेडिकल्स, कोई भी तुम में से हैंड रेज करेगा एक बार फास्ट? बोलो कौन करेगा ये? एक तो प्रथम ने बोला है, प्रथम और श्रुतिका, हाँ श्रुतिका से मेरे को पक्का था कि श्रुतिका बता देगी पूरा। श्रुतिका के अलावा कोई और? श्रुतिका के अलावा? श्रुतिका यस सर। श्रुतिका पूरा बोल सकते हो एज इट इज? यस सर। बहुत अच्छा श्रुतिका, श्रुतिका के अलावा कोई नहीं बोल सकता सेपरेशन ऑफ कैटायंस या बेसिक रेडिकल्स? श्रुतिका कॉपी वॉपी बंद करके ना, 5 मिनट का टाइम है, बोलो एक बार। यस सर। सबसे पहले ग्रुप वन में देखेंगे जिसमें होता है एजी हाजी पिला भाई, जिसमें हम लोग डाइल्यूट एचसीएल डाल देते हैं तो हमारे पास क्लोराइड बन जाते हैं, यानी एजीसीएल पीवीसीएल2 और
Ag2Cl2 जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है PbCl2, फिर उसमें जब हम हॉट वाटर डालते हैं तो हमारा PbCl2 सेपरेट हो जाता है क्योंकि ये सॉल्यूबल होता है, और इनसॉल्यूबल बच जाते हैं हमारे पास AgCl और Ag2Cl2। फिर उसके बाद उसमें हम अमोनिया डालते हैं विच इज NH3। फिर जब एक सॉल्यूबल निकलता है और प्रेसिपिटेट निकल जाता है, जो सॉल्यूबल होता है वो होता है ये AgNH3 2CL, और प्रेसिपिटेट बच जाता है फिर उसका Ag का। फिर उसके बाद हम इसमें HCl डालते हैं सॉल्यूबल में विच इज AgNH3 2CL में। जब हम HCl डालते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है जो व्हाइट कलर का होता है। उसके बाद ग्रुप टू में जब हम देखते हैं ये Cu2+, Bi2+, Hg2+ और Pb2+ और Cd2+ होता है, मतलब क्यू भाई हाँ जी पीला पीला भाई कोडिंग येलो वाली। फिर जब इसमें हम लोग डाइल्यूट HCl डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड, इन प्रेजेंस ऑफ H2S, तो हमारे सारे सल्फाइड्स बन जाते हैं। फिर हम जब इन सल्फाइड्स में डाइल्यूट HNO3 डालते हैं हॉट, तो हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है AgS का, और सॉल्यूबल आ जाते हैं हमारे पास COS, Bi2S3, PbS और CdS। उसके बाद जब हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, सल्फेट डालते हैं सॉल्यूबल वाले कंपाउंड में, तो हमारे पास प्रेसिपिटेट निकल जाता है PbS का, और बाकी सोल्यूबल आ जाते हैं मेरे पास CdS, Bi2S3 और ये CuSH2। फिर जब इसमें हम लोग NH4OH डालते हैं तो BiOH2 का प्रेसिपिटेट बन जाता है, फिर सोल्यूबल आ जाते हैं हमारे पास Cu का और CdS का। फिर उसके बाद जब हम इसमें KCN टेस्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाते हैं अलग अलग, जिसमें एक बनता है K3CuCN4 का और एक बनता है K2CdCN4 का। हाँ, और जो फिर उसको जब इसमें H2S डालते हैं तो K2CdCN4 में वो बन जाता है, CdS बन जाता है जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और बाकी दूसरे में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता। श्रुति का रीजन याद है इसका? तो रिएक्शन होती है ये। श्रुति का मैंने बताया था ना K2CdCN4 इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, हाँ, इम्परफेक्ट और कॉम्प्लेक्स होता है हाँ, और वो इसीलिए होता ये है वैसे बना परफेक्ट देता कॉम्प्लेक्स। है, हाँ हाँ परफेक्ट थोड़ा सा रीजन कॉम्प्लेक्स को भी होता ध्यान है। रखो। हाँ तभी यस तो एच टू सर, एस कर दे रहा है, नहीं तो कोटेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी सेंटर एटम होगा वो कभी बाहर नहीं निकलता, बस ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स था इसीलिए निकल गया था। यस सर। श्रुति का ऐसे पूरा पूरा उसके बोल बाद सकते हो? अच्छा तुम श्रुति का एक बार बताओ, पहले तुम क्या रोज मन में बोलते हो या फिर ऑल्टरनेट डेज पे बोलते हो, या 10 दिन में, मतलब कैसे कैसे तुम्हें याद है पूरा ही एज इट इज? सर, मैं कभी कभी बोल लेती हूँ रात को सोने से पहले। अच्छा मन में ऐसे ही बोल रहे थे ना, कॉपी खोल करके बिना कॉपी खोले? सर कभी कभी कॉपी खोल के ही कर लेती हूँ, कभी कभी बिना कॉपी खोले कर लेती हूँ, देखो वो ऐसे ना डिपेंड सबको करता करना है। पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छी श्रुति का, ऐसे सबको करना पड़ेगा तब जाके ये सॉल्टलेस याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। और इसकी ना तुम्हें पूरे इनऑर्गेनिक के अंदर, पूरे इनऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें हेल्प मिलेगी इससे, जैसे ये श्रुतिका ने की है, यही तरीका है इसको याद करने का, नहीं तो फिर भूल जाओगे तुम। 10 अभी कर लो याद, 10 दिन में भूल जाओगे सारा, कोई यूज ही नहीं होगा, दोबारा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर श्रुतिका पूरा सॉल्ट एनालिसिस बोलते हो कि सिर्फ यही पार्ट? सर अभी मुझे एनाइंस वाला ढंग से याद नहीं हुआ है। अच्छा एनायंस वाला नहीं हुआ? हालांकि श्रुति का मैं एक एक एनायन ही ले रहा हूँ, पता है ना मैंने अभी कौन से लिए हैं? एक एफ माइनस लिया यस कंफर्मेटरी में, एक कार्बोनेट आयन लिया डिटेल में, और कार्बोनेट के बाद मैंने कौन सा, सल्फाइड में तो कुछ था ही नहीं, फिर मैंने यही लिया ना सल्फाइड, यस सर, ये 3 4 ही लिए हैं अभी तो। समझ आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा, मैं सल्फाइड आयन पूछ के देखूंगा किसी से, सल्फाइड आयन या कार्बोनेट आयन, वही दोनों इंपॉर्टेंट है। सही ना? तो यहाँ तक ये पढ़ के रखना है सब, जैसे श्रुति का ने याद किया इस तरह से करना पड़ेगा। विधि तुमने यस सर। नहीं किया वैसे? अभी सर मेरे पेपर चल रहे हैं बायोमोलिक्यूल।